नमस्कार, मैं हूं योगेश भट्ट। मंगलवार को देहरादून में सीएम 11 और भाजीमो 11 के बीच हुए मैत्री क्रिकेट मैच को भले ही सीएम धामी जीत गए हों, लेकिन यह मैच खेलना मुख्यमंत्री धामी को भारी पड़ गया। दरअसल मैच खेलते समय सीएम धामी क्रिकेट पिच पर ही गिर गए और उनके बाएं हाथ में चोट आ गई थी, लेकिन अब डॉक्टरों द्वारा बताया गया है कि सीएम का बाएं हाथ के फोर्थ फिंगर में फ्रैक्चर हो गया है, जहां एक महीने तक सीएम के हाथ में प्लास्टर चढ़ा रहेगा। एक छोटा सा फ्रैक्चर है फोर्थ फिंगर के बेस पे, माइनर है, लेकिन उसको प्लास्टर की जरूरत है, स्वेलिंग ज्यादा थी, लगभग एक महीना प्लास्टर रहेगा, उसके बाद फिजियोथेरेपी से रिकवरी हो जानी चाहिए। दून मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की सलाह के बाद मुख्यमंत्री के हाथ का एक्सरे कराकर उनके हाथ में प्लास्टर बांधा गया है, लेकिन हाथ में चोट के बावजूद भी मुख्यमंत्री धामी अपने कर्तव्य पथ पर अडिग हैं। उन्होंने बुधवार को दून मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और इस अवसर पर उन्होंने मरीजों का हालचाल भी जाना। दून मेडिकल कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए कार्यदायी संस्था को शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। और कह रहे हैं कि 4 हफ्ते तक मेरे प्लास्टर है, कोई छोटी छोटी ठीक हो जाएगी। आप अपनी एक्टिविटीज जारी रखेंगे? हाँ, निश्चित रूप से मैं जा रहा हूँ अभी दौरे से। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।